और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में हार फूल प्रसाद बेचकर अपने घर परिवार को चलाने वाले यह गरीब परिवार के लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी इनको हार फूल बिक्री के दौरान डांटते हैं और अपशब्दों का प्रयोग कर लज्जित और अपमानित करते हैं, जिसकी वजह से यह गरीब हार फूल वाले अपने आप को अपमानित और इतनी गरीबी का एहसास इनको होता है कि यह अपना गुजर बसर और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हार फूल प्रसाद और पूजन सामग्री घूम फिर कर बेचते हैं। यह अपना गुजर बसर और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हार फूल प्रसाद और पूजन सामग्री घूम फिर कर बेचते हैं और जो कुछ दिन भर बिक्री के बाद मजदूरी मिलती है उसे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पर पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और इन्हें डराने धमकाने के साथ ही कई प्रकार के नियम कायदे कानून बताकर इनके साथ अपमानित करते हैं और जिससे यह सब बेहद परेशान है और इनका कहना है कि हम अगर मेहनत मजदूरी काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे और कैसे अपने घर और परिवार को चलाएंगे। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के पास पहुंचे यह सब और लिखित में शिकायत कर समस्या बताकर मदद की गुहार लगाई। क्या समस्या है, क्या परेशानी बताई? हम सभी लोग महाकाल क्षेत्र से आए हुए हैं, महाकाल मंदिर के पास में हमारी समस्या है कि एक ट्रैफिक की मैडम है संगीता परमार करके हैं, वो यातायात की हैं, तो वो मतलब यानी कि वहाँ पर ठेला गाड़ी उन्होंने हटवा दिया है, वो परेशान करती है, सामान जब्त करके ले आती हैं, अद्भुतता करते हैं, उनके साथ में जो जवान रहते हैं वो फिर वहाँ पर ठेला नहीं लगा दे रही है। और हम लोगों पर पीएम स्वनिधि योजना का 10,000 रुपये का लोन है, उसकी किस्तें भी अदा करना है हमको और हमारे परिवार का भरण पोषण भी करना है, परिवार के लोग परिवार में परिवार के बच्चे वगैरह जो भी है उसकी बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं और हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं और बरसों से महाकाल मंदिर के पास में फूल प्रसाद और भक्ति भंडार का सामान बेच के अपने परिवार का गुजर बसर करते चले आ रहे हैं। अब ये परेशानी मैडम ने ऐसी कर दी है कि वहाँ बिल्कुल भी बैठने नहीं देती और अगर बैठ जाते हैं तो सामान जब्त कर लेती है, उनके साथ जो जवान रहते हैं, जो क्रेन की गाड़ी आती है वो क्रेन के अंदर माइक सेट लगा हुआ उसमें भी जो लोग बैठे रहते हैं अधिकतर तो ड्राइवर लोग ही उसके अंदर संचालन करते हैं कि हटाओ ये करो वो करो, वो महिलाओं को अपशब्दों से बोलते हैं कि तेरा सामान हटा ले रही उठा ले रही, तेरे को समझा रहा है तेरा। बताइए आप लोग काय का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कहाँ पर करते हैं, क्या रहता है? हम महाकाल का फूल प्रसाद का करते हैं। अच्छा, करीब कितने लोग आप लोग फूल प्रसाद बेचते हैं? 40 लोग हैं। अच्छा, अब क्या दिक्कत, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? अभी तो दिक्कत ये आ रही है कि मैडम बहुत परेशान कर रही है, हमारे को बैठने नहीं दे रही है। किस प्रकार से, क्या होता है बताइए? मैडम आती है और बोलते है चल उठाए, इतने को समझाया नहीं, बोले तू यहाँ दुकान नहीं लगाएगा, अभी दुकान यहाँ कोई की नहीं लगा देंगे, तो सामान उठा लेती है और धक्का मुक्की करते हैं एक दूसरे को। किरण वाला आता वो बोलता है बोला हटाओ 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 यहाँ बैठने नहीं देंगे, तो हम इतने साल से बैठ रहे हैं, पहले ठेले लगाते थे, हमने बोल दिया कि हम 3 फीट की टेबल लगाएंगे, पहले ठेले लगाते थे वो हटा दिया हमने। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की।